हेलो गाइस, मैं हूँ रुबीना। नेता का किचन में आपका स्वागत है। आज मैं आपको मटन कबाब बनाना सिखाऊंगी। इसे बहुत से लोग शामी कबाब भी बोलते हैं। तो चलिए, ये कैसे बनता है वो मैं आपको दिखाती हूँ। आज मैं आपको मटन कबाब बनाना सिखाऊंगी, जो बनता है मटन कीमकी में से। तो उसके लिए मैंने लिया है 200 ग्राम मटन का कीमा, 150 ग्राम चने की दाल या एक कटोरी समझ लीजिए। मैंने 150 ग्राम लिया है। मैंने इसे धो लिया है अच्छे से। मैंने मटन को भी अच्छे से धो लिया है। मैंने लिया है 2 बड़ी पोटी महीन प्याज चॉप कर ली है। मैंने हरी धनिया लिया है, हरी मिर्च ली है, नमक लिया है स्वाद अनुसार, तेज़पत्ता लिया है, थोड़ा चॉप की हुई अदरक, चॉप किया हुआ लहसुन, चॉप की हुई प्याज। मैंने सारे गरम मसाले लिए, जावित्री, दालचीनी, जीरा, काली मिर्च, बड़ी इलायची, लौंग। मैंने सूखे मसाले में लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, नमक स्वाद अनुसार, तेज़पत्ता। तो चलिए, मैं सबसे पहले आपको चने की दाल और मटन को कुकर में डाल के बॉयल करना बताती हूँ। मैंने कुकर में डाला चने की दाल, मटन कीमा, एक चम्मच लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, चॉप किए हुए लहसुन, अदरक, प्याज, तेज पत्ते, नमक स्वाद अनुसार, देखिए इसमें मैंने चॉप किए हुए अदरक, लहसुन, चॉप किए हुए प्याज, तेज पत्ता, नमक स्वाद अनुसार और मटन का कीमा और चने की दाल। और मैं एक गिलास पानी डालूंगी इसमें। और मैंने इसमें खड़े गरम मसाले भी डाल दिए हैं। अब मैं इसे 2 सीटी से 3 सीटी लगा दूंगी, फिर मैं दिखाती हूँ। ये देखिए, मेरा कीमा और दाल अच्छे से गल गई है। अब मैं इसे मिक्सर में डाल के पीस लूँगी, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, मिक्सर में अच्छे से पीस जाता है। मैं इसे निकाल के दिखाती हूँ। ये देखिए, मेरा मटन कीमा अच्छे से गल गया था, मैंने उसे पीस लिया है। अब मैं इसमें ये चॉप की हुई जो मैंने प्याज रखी थी वो मिलाऊंगी। ये मैंने चॉप की हुई प्याज मिला दी, ये चॉप की हुई हरी धनिया मिला दी, ये चॉप किया हुआ हरा मिर्चा मैंने, और इसमें खड़े मिर्चे डाले थे, अब मैं पिसे मिर्चे भी डाले थे। अब मैं इसमें गरम मसाले डालूंगी जो मैंने उबालने में भी डाले थे, अब मैं ये पिसे हुए डालूंगी और इसे अच्छे से मिला लेंगे। मैंने इसमें नमक मिला दिया है, अगर कम होगा तो आप मिला लीजिएगा। और मैंने एक एग लिया है, एग मैंने लिया है जब अंडे को डीप फ्राई करने के लिए। तो देखिए मैं कैसे, पहले मैं इसे मैश के करके अच्छे से मिला के मिक्स करके दिखाती हूँ। ये देखिए, मैंने इसमें सारे चीज़ मिला के मैंने उसके इस तरह इतने बड़े बड़े गोले बना के और मैंने इसे दबा दबा के इसकी इस तरीके से इसकी टिकिया आप बना लीजिए। ये देखिए, मैं सारी टिकिया बना के आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, मैंने जितनी तलना है आप उतनी टिकिया बना लीजिए। मैंने ये टिकिया बना लिया है। मैंने ये अंडा लिया, मैंने उसमें ये थोड़ा सा नमक डाल के इसे अच्छे से आप फेंट लीजिए, फिर मैं आपको फ्राई करना सिखाती हूँ। चलिए, अब मैं एक गैस पे एक बर्तन चढ़ाती हूँ। मैंने एक कढ़ाई में तेल डाल दिया था क्योंकि मुझे डीप फ्राई करना है, इसलिए मैंने इसमें ज़्यादा तेल डाला है। अगर आपको तवे पे तलना है तो आप हल्का ही तेल डालें। ये देखिए, तेल अच्छी तरीके से पक गया है। मैं आंच को धीमी करूंगी। मैं ये टिकिया लेके कबाब की इसमें मैं एग में डिप करूंगी पूरी तरीके से, और डिप करने के बाद मैं इसमें धीमे से तेल में डाल दूंगी। मैं दूसरी भी इसी तरह डिप करूंगी।
और इसे भी मैं धीमे से तेल में डाल दूंगी। इसी तरह अब सारी टिक्की, ये देखिए मैंने सारी टिक्कियाँ कबाब की डाल दिया है और ये आराम से अब एक तरफ से पक जाएंगे, तब मैं दूसरी तरफ इसे पलटूंगी। देखिए एक तरफ से पकना शुरू हो गए हैं, अब मैं इसे पलट के दिखाती हूँ। ये देखिए मैंने इसे पलट दिया है, आप भी पलट दीजिए। देखिए हो गया एक तरफ से, अभी ये पूरी तरीके से हो जाएंगे। ये देखिए अच्छी तरीके से फ्राई हो गया, मैं इसे निकाल के दिखाती हूँ। ये देखिए मेरे कितने अच्छे मटन कबाब बनकर तैयार हो गए हैं। अगर मेरी डिश आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। अल्लाह हाफिज़।